मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं फिफ्थ न्यूज़। दोस्तों ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे। और भाई साहब एक बार फिर से प्रूफ हो गया कि डॉन शाहरुख खान ही थे, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि खबर ही ऐसी आ रही है कि रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर शाहरुख खान से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि डॉन 3 के स्क्रिप्ट में थोड़ा सा बदलाव किया है। और फरहान अख्तर रितेश सिद्धवानी क्या चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, फटाफट सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। अगर सब्सक्राइब किया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें, चैनल को चेकआउट करते रहें। आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि कबीर खान और शाहरुख खान की फिल्म को लेकर कहाँ तक बात पहुँची है, तो वीडियो आप लोग जाकर देख लें। अब बात करते हैं डॉन 3 के बारे में। डॉन 3 बनने वाली थी शाहरुख खान के साथ ही, लेकिन बन नहीं पाई दोस्तों। ऐसे ऐसे मतलब हालात आ गए वक्त में कि फरहान अख्तर तैयार नहीं कर पाए वैसे स्क्रिप्ट जैसा शाहरुख खान चाहते थे। फिर फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को साइन किया और एक टीज़र भी अनाउंस कर दिया। फिल्म का नेगेटिविटी बहुत ज़बरदस्त थे रिलीज़ होने से पहले, टीज़र से पहले पब्लिक रणवीर सिंह को डॉन के रोल में एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जब शाहरुख खान ने डॉन किया था तब तक अमिताभ बच्चन का करियर ख़त्म हो गया था, सोलो हीरो में तो ख़त्म ही हो गया तो आप सभी को पता है। तो शाहरुख खान उस वक्त पे एक मेगा स्टार बन चुके थे, तो पब्लिक ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। रणवीर सिंह ना ही सुपरस्टार है ना ही मेगा स्टार है, तो पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी चाहते हैं कि इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कैमियो हो, डॉन 3 में शाहरुख खान के कैमियो हो। शाहरुख खान से बातचीत भी हो रही है, लगातार बातचीत काफ़ी टाइम से हो रही है, और कहा जा रहा है कि अभी रितेश सिद्धवानी की जो माता है उनका देहांत हो गया, तो ऊपर वाले भगवान अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। शाहरुख खान पर्सनली उनसे मिलने भी गए और बहुत सारी गुफ्तगू हुई ये भी कहा जा रहा है, और फिल्म को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई। तो डॉन 3 के क्या क्लाइमेक्स में चाहते हैं फरहान अख्तर शाहरुख खान आए, या फिर स्टार्ट में आए, या अगर शाहरुख खान नहीं करते तो क्या शाहरुख खान का मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल है? बड़ा रोल है तो फिर शाहरुख खान को आना चाहिए, बड़ा रोल नहीं है तो फिर आप उनके डुप्लीकेट से भी करा सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा रोल है, और ये भी कहा जा रहा है कि फरहान अख्तर इस फ्रेंचाइज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि डॉन 3 बना के ख़त्म हो गया, कहा जा रहा है कि डॉन 3 के आगे भी कई पार्ट्स आएंगे और हो सकता है कि उसके लिए ये नियो तैयार किया जा रहा है शाहरुख खान के कैमियो। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन से भी बातचीत हो रहा है, देखते हैं कि अमिताभ बच्चन हाँ कहते हैं, शाहरुख खान हाँ कहते हैं, किसका कैमियो होता है। और कहा जा रहा है कि बड़ा रोल है, एक्सटेंडेड कैमियो के बारे में बातें हो रही है दोस्तों। अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि शाहरुख खान क्लाइमेक्स में आ जाए, जैसे सूर्यवंशी में सिंघम आए, सिम्बा था, तो वैसे ही कुछ सोच रहे हैं अपना एक अलग फ्रेंचाइज बनाना, अपना एक यूनिवर्स बनाना। फरहान अख्तर ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, और फरहान अख्तर की जो प्रोडक्शन हाउस है एक्सेल एंटरटेनमेंट, शाहरुख खान ने बहुत सारी फिल्में की है डॉन के अलावा, रईस भी शाहरुख खान ने की, तो एक्सेल एंटरटेनमेंट की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म रईस है जिसमें शाहरुख खान हीरो थे। तो भाई एक्सेल एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी लकी हैं शाहरुख खान। तो डॉन 3 में इसीलिए मनाने की कोशिश हो रही है कि भैया शाहरुख भैया इस फिल्म को बचा लो, आप कैमियो कर दो, और हम कुछ सोच रहे हैं आपको ट्रिब्यूट देना, और हो सकता है कि आगे हम इस फिल्म को और आगे बढ़ाएं तो फिर उसमें आपका प्रॉपर रोल होगा, ऐसा कुछ बातें हो सकता है दोस्तों। इंडस्ट्री में काफ़ी हवा बन रही है डॉन 3 को लेके। तो क्या आप चाहते हैं कि शाहरुख खान कैमियो करें? और अगर बड़ा रोल है तो करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ट्रिब्यूट भी हो जाएगा, आगे के लिए दरवाजे भी खुल जाएंगे कि डॉन आगे बनेगा तो क्या होगा, क्या क्लाइमेक्स के एंड में आएगा रणवीर सिंह को बचाने आएगा डॉन, क्या होगा दोस्तों? जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और मैं आज बहुत हैप्पी हूँ इस न्यूज़ को जानकर और आपको बताकर कि भाई डॉन जो असली डॉन है, जो रियल डॉन है, ओजी डॉन है, वो आप वापस आ रहा है डॉन 3 में। आप देखते रहे फिफ्थ न्यूज़ दोस्तों। किंग की भी एक अपडेट थी, लेकिन मुझे लगा किंग का अपडेट के सामने ये अपडेट के सामने किंग का अपडेट कुछ भी नहीं है। तो डॉन 3 का अपडेट मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।